बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लुकेटर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उसामा खुर्शीद। आज मैं आपको डीएचए फिजिक्स लाहौर में इस एक कनाल के मॉडर्न डिज़ाइन में बने हुए लग्जरियस हाउस का विजिट करवाऊंगा जो कि मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। घर बहुत ही खूबसूरती से कंस्ट्रक्ट किया गया है और फिजिक्स की बहुत अच्छी लोकेशन पर यह घर लोकेटेड है। इस घर में 5 बेडरूम की अकोमोडेशन है जिसमें 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर, 3 बेडरूम इसके फर्स्ट फ्लोर पर हैं। इस प्लॉट की डायमेंशन अगर मैं आपको बता दूँ तो वो है 50x90, यानी 50 इसका फ्रंट है और 90 इसकी डेप्थ है। वीडियो देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि इस घर की सारी डिटेल्स और फिर प्राइस आप जान सकें। अंदर जाने से पहले मैं आपको सिर्फ इसका ये सराउंडिंग एरिया दिखाना चाहूँगा। ये देखें कि कितनी पॉपुलेटेड स्ट्रीट है और फेज 6 की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन पर यह घर लोकेटेड है। और इधर से मैं आपको इस घर की लेफ्ट साइड व्यू करवा रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड है और ये है इस घर का खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन, ये आप देख लें। और ये आप देख रहे हैं सामने इसका मेन एंट्रेंस गेट का डिज़ाइन है। यहाँ पे कार रैंप है, कम्प्लीटली टाइल्स की फ्लोरिंग है और ये आप जो 3 फुटस्टेप्स देख रहे हैं ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। घर में आप एंटर होते हैं तो आपके पास काफ़ी स्पेशियस जगह मिलती है कार पोर्च के लिए। सामने वाली वॉल पे आप देख सकते हैं सिंथेटिक ग्रास और टाइल्स का यूज़ किया गया है और नीचे प्लांटेशन भी की गई है। काफ़ी स्पेशियस ये जगह है जहाँ पर 3 गाड़ियों को तो बहुत ईजिली पार कर सकते हैं आप। सीलिंग डिज़ाइन भी यहाँ से आप इसका चेक कर रहे हैं। और राइट साइड पर होकर ये है इस घर का इनर लॉन एरिया, खूबसूरत पैच बनाया गया है जिसमें राइट साइड पर और सामने आप देख सकते हैं प्लांटेशन की हुई है कम्प्लीट। इधर से मैं आपको एक बार अगेन इसका फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा हूं जहां पे टाइल्स का और रॉक वॉल का यूज किया गया है और ये है सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर। तो व्यूअर्स अब हम घर के अंदर एंटर करते हैं। नीचे ये देख लें अगेन ग्रेनाइट है और घर में अब चलते हैं इसके अंदर के प्लान की तरफ। तो ये चेक करें माशाल्लाह, आप घर में जैसे एंटर होते हैं काफ़ी स्पेशियस ये एंट्री वे है इस घर का और ये है इसकी डबल हाइटेड लॉबी का कंप्लीट एरिया। सेंटर में खूबसूरत शैंडिलियर हैंग कर रहा है, राइट साइड पे वॉल पे डिजाइनिंग की गई है। और अब हम इस घर के प्लान को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राइट साइड पर होंगे तो ये है इसके ड्राइंग रूम का एंट्रेंस डोर। इधर से आप इसको ओपन करेंगे तो नीचे फ्लोरिंग कम्प्लीटली यहाँ वुडन की आपको मिलेगी। सामने वॉल पर इन्वर्टर एसी भी लगा हुआ है और ये है इसके सीलिंग का डिज़ाइन। सेंटर में शैंडिलियर है और राइट साइड पे वेंटिलेशन और सनलाइट पर्पस के लिए विंडोज़ को बना दिया गया है। इधर से ही मैं आपको इसका डाइनिंग एरिया का भी व्यू दिखा देता हूँ जो कि इसके साथ ही ओपन रखा गया है। राइट साइड पे कॉर्नर पे आप देख रहे हैं फायरप्लेस को बनाया गया है, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, पूरे घर में GFC के फैंस हैं और खूबसूरत हैंगिंग लाइट्स। राइट साइड पर अगेन वॉलपेपर और उसके आगे डेकोरेशन पीस और ऊपर इन्वर्टर एसी। ये बहुत ही कमाल की चीज़ बनाई गई है डाइनिंग एरिया के साथ जो कि काफ़ी कम जगह पे आपने देखी होगी कि ये ओपन जगह है जहाँ पे ये वाटर फीचर है। सामने आप देख रहे हैं ट्रेवर्टिन स्टोन को लगाया गया है और सेंटर में ब्रास के स्ट्रिप्स को लगाया गया है। और ये ऊपर चेक करें, ये यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ किया गया जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट एंटर कर रही है। मोर ओवर राइट साइड पर विंडोज़ भी दे दी गई हैं वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। व्यूअर्स ये है इसका ड्राइंग और डाइनिंग। इधर से हम बाहर आते हैं तो सामने वॉल पे आपको खूबसूरत मिरर लगा हुआ मिलता है जिसकी दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं लाइट ग्लोब्स हैं और ये कंसोल भी रखा हुआ है। ये स्टेयर्स का प्लान है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करते हैं, ये भी थोड़ी देर में मैं आपको विजिट करवाता हूँ। इधर से बाहर आते हैं तो इसके टीवी लाउंज में जाने से पहले मैं आपको इसके लेफ्ट साइड पे मौजूद किचन को दिखाना चाहूँगा जिसमें सेंटर में स्लैब बनाई गई है जिसपे कोरियन का यूज़ किया गया है। और ये है इस किचन का कंप्लीट ओवरव्यू, ये इसका लेआउट प्लान देख लें कितना खूबसूरत है। यहाँ राइट साइड पे हायर का 2-डोर रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक और माइक्रोवेव ओवन, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कंपार्टमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। और इधर से मैं अब आपको दिखा रहा हूँ इसका कम्प्लीट व्यू, ये चेक कर लें। सेंटर में यहाँ 5 स्टोव बर्नर है और ऊपर किचन हुड है रेज कंपनी का। ये है इसका सर्विस किचन। सर्विस किचन में आप एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे अगेन आपको 3 स्टोव बर्नर यहाँ पे मिल जाता है, ऊपर किचन हुड है और काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज के लिए स्पेस दे दी गई है, ये आप चेक कर लें। ये इसका गैलरी एरिया का डोर है जो कि आपको कनेक्ट करता है किचन से। और इधर से मैं आपको ये कमाल की जो सेंटर में पार्टीशन की गई है ये दिखाना चाहूँगा, ये आप चेक कर लें। और खूबसूरत हैंगिंग लाइट है और ये सेंटर में ग्लास की पार्टीशन है और ये वुड वर्क के काम करके इसको बनाया गया। यहाँ पे आप इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं और इधर से आप अपने लिविंग एरिया का कंप्लीट व्यू देख सकते हैं। और किचन से निकल के सामने आते हैं तो ये डाइनिंग एरिया के साथ वाली जगह है जहाँ पे ये स्पेस आप देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाई थी डाइनिंग एरिया के साथ ही। और इधर से अब हम इसके फर्दर प्लान को डिस्कस कर लेंगे। ये सेंटर में पार्टीशन बहुत खूबसूरत की गई है। इधर से हम आगे बढ़ेंगे तो खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, खूबसूरत इसका लेआउट और इसका जो पैटर्न है वो बहुत ज़बरदस्त रखा गया है। लेफ्ट साइड वाली वॉल पर आप देख रहे हैं फायर किट है और इधर से मैं आपको इसका कम्प्लीट व्यू दिखा देता हूँ, ये चेक करें। व्यूअर्स बहुत खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन और शैंडिलियर हैंग कर रहा है। राइट साइड वाली ये आप खूबसूरत इसकी मीडिया वॉल भी चेक कर रहे हैं और लेफ्ट साइड पे वॉलपेपर है जहाँ पे अगेन लाइट ग्लोब्स को लगाया गया है। और इधर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी सेंटर वॉल जहाँ पे कम्प्लीटली मिरर को यूज़ किया गया है। राइट साइड पर इसका मास्टर बेडरूम है, पहले हम ये देख लेंगे। नीचे फ्लोरिंग कम्प्लीटली सुपर ग्लोसी वुडन की गई है और इधर से ये आप चेक करें बहुत लेविश किस्म का इसका बेड वॉल का डिज़ाइन जो कि कंटिन्यू करता हुआ रूफ तक आ रहा है। और ये ग्लास का यूज़ किया गया जिसमें सेंटर में लाइट्स लगाई गई
नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से परफेक्ट, इसकी जो बेड वॉल है ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और इधर से हम चलते हैं अब इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। सामने वैनिटी है, ऊपर मिरर लगना बाकी है क्योंकि अभी रिसेंटली ये कंप्लीट हुआ है घर। और ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जकूजी को लगाया हुआ है, वॉल फिटेड कमोड है। ये है इसका क्यूबिकल शावर रूम। पूरे घर में वाइट्रा कंपनी की वॉशरूम एक्सेसरीज का यूज़ किया गया है। और घर में जब आप एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे इस वॉशरूम के आपको मिलता है इसकी वार्डरोब के लिए जगह। इधर से बाहर आएंगे तो ये राइट साइड पे इसकी मीडिया वॉल भी चेक कर लें और इसके डोर के डिज़ाइन भी देख लें। व्यूवर्स, मास्टर बेडरूम से बाहर आकर ये सामने है इसका सेकंड बेडरूम। इसमें हम एंटर होंगे तो एंटर होके इसके लेफ्ट साइड पे ये है इसकी बेड वॉल और सामने वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए अगेन विंडो और उसकी के ऑपोजिट साइड पे फीचर वॉल को भी बना दिया गया है, जिसके राइट साइड पे आप देख रहे हैं मीडिया वॉल और इसके बैक पे है आपका अटैच्ड वॉशरूम। इसमें आप एंटर होंगे तो ये इसके जो वॉशरूम है उसका भी लेआउट चेक कर लें। ये आप चेक कर लें इसका वॉशरूम का लेआउट और राइट साइड पे वार्डरोब के लिए स्पेस दे दी गई है, ये आप चेक कर लें। व्यूअर्स, ये था इस घर के ग्राउंड फ्लोर का प्लान और अब हम चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के प्लान की तरफ। ये बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है, देखिए इधर से मैं आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ। इसकी जो मीडिया वॉल है उसका सेंटर में फेंसीरा का शैंडिलियर हैंग कर रहा है और जितना खूबसूरत ये ग्राउंड फ्लोर से है उतना ही खूबसूरत इसको फर्स्ट फ्लोर पे भी बनाया गया है। साथ में ये DHA Phase 6 की बहुत अच्छी लोकेशन पे ही लोकेटेड है। एक और चीज़ आप यहाँ पे देखें कि घर में जब आप एंटर करते हैं तो सेंटर में पार्टीशन की गई है ग्लास की, जहाँ से आप अपने कार पोर्च का कम्प्लीटली व्यू देख सकते हैं। स्टेयर्स पे ग्रेनाइट की फ्लोरिंग है, सामने वाली वॉल पे कम्प्लीटली वॉल्स पे मिरर का यूज़ करके उसको डिज़ाइन किया गया है। और इधर से ये देखें, ये इसकी स्टेयर्स का पैटर्न है। आप स्टेयर्स से ऊपर आते हैं तो चेक करें कितना लेविश किस्म का आपको व्यू मिलता है। सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो दिला दूं, इधर राइट साइड पर डबल हाइटेड लॉबी का व्यू, सेंटर में शैंडिलियर और इसके पीछे ये आर्ट वर्क देखें, ये देखें। और ये है इसके फर्स्ट फ्लोर का लाउंज, ये देखें कितना स्पेशियस रखा गया, बहुत जगह छोड़ी गई है यहाँ पे। और इधर लेफ्ट साइड पर आप चाहें तो इसको अपना लॉन्ड्री एरिया प्रॉपर बना सकते हैं, जहाँ पर प्लांटेशन की गई है वो वाटर टैप भी लगा हुआ है। और ये सामने है इसकी मीडिया वॉल, ये एरिया चेक करें कितना खूबसूरत है, इसके सीलिंग डिज़ाइन खूबसूरत शैंडिलियर के साथ। लेफ्ट साइड पे मिरर का यूज़, किचन को प्रॉपर यहाँ पे जगह दी गई है, ये देखें आप। इसमें एंटर होते हैं 3-स्टोव बर्नर काफ़ी स्टोरेज कंपार्टमेंट के साथ। लेफ्ट साइड पे ये आप देख सकते हैं इसका वॉश बेसन और वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए इधर विंडोज़ को भी बना दिया गया है। व्यूवर्स, ये है इसके फर्स्ट फ्लोर का लाउंज एरिया। पहले मैं इसको आपको मैं पहले इसका फर्स्ट बेडरूम दिखा देता हूँ फर्स्ट फ्लोर का। ये देख लें, बहुत स्पेशियसली डिज़ाइंड है। नीचे फ्लोरिंग कम्प्लीटली वुडन की है। लेफ्ट साइड पे इसकी खूबसूरत बेड वॉल है, जहाँ पे सॉफ्ट कुशनिंग मिरर का यूज़ किया गया है और बॉर्डर बनाया गया है वुडवर्क से। पीछे बैक साइड पे वॉल पे कम्प्लीटली वॉलपेपर का यूज़ है और ये बहुत कमाल की चीज़ है, जिसमें आपको फ्रंट साइड पे टेरेस की काफ़ी अच्छी जगह मिलती है। आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई ऐसा घर दिखाएं जिसमें फ्रंट साइड पे जो टेरेस है वो काफ़ी स्पेशियस हो, और ये चेक करें, ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। आप बहुत ईजिली यहाँ पे अपनी सिटिंग कर सकते हैं और जैसे मर्जी चाहें जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मीडिया वॉल है और ये देख लें, 3 टाइल्स को लगाया गया, सेंटर में स्ट्राइप्स दी गई हैं ब्रास की। इसके लेफ्ट साइड पे होंगे ना तो ये चेक करें, बहुत ही लेविश किस्म का इसका अटैच वॉशरूम रखा गया है, डबल यूनिट वैनिटी के साथ। लेफ्ट साइड पे LED मिरर है, हिज एंड हर वैनिटी सेपरेट वैनिटीज हैं। राइट साइड पे ये इसके वार्डरोब की स्पेस है और आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल सामने क्यूबिकल शावर रूम, उससे पहले वॉल फिटेड कमोड, ये जकूजी की स्पेस है। और इधर से आप अगेन फ्रंट टेरेस तक आ जाते हैं, यहाँ पे विंडोज़ को भी दे दिया गया। व्यूवर्स, ये है ओवरऑल इस अटैच वॉशरूम का व्यू। और इधर से मैं आपको ये वार्डरोब ओपन करके दिखा देता हूँ, इसकी शीट देखें कितनी प्रीमियम क्वालिटी की रखी गई है, ये देखें। इधर से हम बाहर आएंगे तो ये अगेन इधर से आपको बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है बेड वॉल का। राइट साइड पे विंडोज दे दी गई हैं, जहाँ से आप अपने ओपन टेरेस को भी अप्रोच कर सकते हैं, ये चेक कर लें। ये मैं आपको आगे जाकर भी दिखाता हूँ ये फर्दर एरिया। इधर से हम बाहर आएंगे, हमारे सामने आ जाता है फर्स्ट फ्लोर का ओपन TV लाउंज, जो कि काफ़ी स्पेशियस है और सामने वाली वॉल पे कम्प्लीटली मिरर का यूज़ किया गया है। पहले मैं आपको इसके लेफ्ट साइड पे जो सेकंड बेडरूम है वो चेक करवा देता हूँ, ये देखें।
इसमें आप एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे ये है इसकी मीडिया वॉल और बहुत लेविश और लग्जरियस किस्म की है इसकी ये बेड वॉल, जहाँ पे सेंटर में कम्प्लीटली वॉलपेपर है और इसके दोनों साइडों पे सॉफ्ट कुशनिंग की गई है जिसमें ब्रास की स्ट्रिप्स को लगाया गया है। और ओवरऑल मैं ये करीब से आपको इसका व्यू चेक करवा रहा हूँ। ये देखिए, ये टेक्सचर देखें कितना खूबसूरत है वॉलपेपर का। राइट साइड पे ऑब्वियसली विंडोज़ हैं। एक और चीज़ मैं बताता चलो, पूरे घर में हायर कंपनी के इन्वर्टर एसीज को भी लगाया गया है। ये सामने मीडिया वॉल है, वार्डरोब को बेडरूम के अंदर ही बनाया गया है। और मीडिया वॉल के राइट साइड पे इसके अटैच वॉशरूम की एंट्रेंस है जिसमें बिल्कुल सामने वैनिटी, खूबसूरत ऊपर एलईडी मिरर और क्यूबिकल शावर रूम के साथ ही ये है आपका कमोड। व्यूवर्स, ये था इसका सेकंड बेडरूम और अब मैं आपको इसका तीसरा और बहुत खूबसूरत और लेविश किस्म का बेडरूम दिखाता हूँ। इधर से बाहर आएंगे ना तो बिल्कुल सामने ये है इसके फर्स्ट फ्लोर का थर्ड बेडरूम और इसकी ये मीडिया वॉल चेक, सॉरी बेड वॉल चेक करें कितनी यूनिक और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ, जिसमें आपको मिरर का वर्क भी मिल रहा है और बैक साइड वाली जो वॉल है वहाँ पर कम्प्लीटली वॉलपेपर को यूज़ किया गया है। नीचे फ्लोरिंग की गई है कम्प्लीटली वुडन की और ये राइट साइड पे आपको एक साइड पे इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है। और इधर मजीद राइट वॉल पे देखेंगे तो लाइट ग्लोब्स हैं। मीडिया वॉल की बैक साइड पे अटैच वॉशरूम, ये आप देख लें। वॉशरूम में एंटर होंगे तो इधर वेरी राइट पे ये मैं आपको सबसे पहले इसके जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो दिखा दूँ। खूबसूरत वैनिटी, ऊपर एलईडी मिरर, लेफ्ट साइड पे वॉल फिटेड कमोड, कॉर्नर पे ये है इसका क्यूबिकल शावर रूम और इधर से राइट होते हैं तो ये आपके वार्डरोब के लिए स्पेस को बना दिया गया है। इधर से आपको परफेक्ट व्यू मिल जाएगा इसकी बेड वॉल का, ये चेक करें कितनी खूबसूरत लग रही है। और इधर से भी ऑब्वियसली आप अपने ओपन टेरेस को अप्रोच कर सकते हैं जिसमें लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे ट्रेवर्टिन स्टोन का यूज़ किया गया वॉल पे और उसी के साथ बारबेक्यू एरिया को बनाया गया है। सेटिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह आपको ओवरऑल यहाँ पे मिल जाती है। सो व्यूवर्स, ये है इस घर का कंप्लीट विजिट। इस घर की जो डिमांडिंग प्राइस है वो रखी गई है 10 करोड़ रुपए, यानी 10 करोड़ इस घर की डिमांड है और प्राइस इसकी नेगोशिएबल है। इसमें हम ऑन टेबल ऑनर के साथ बैठ के मज़ीद नेगोशिएशन कर सकते हैं। और इस घर के विजिट के लिए और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ अपना नंबर, 03220405751 ये मेरा नंबर है। और इसके बैक साइड पर 2 सर्वेंट क्वार्टर्स को बनाया गया है और वॉशरूम की स्पेस भी उनको दे दी गई है। सो व्यूवर्स, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मेक श्योर प्रॉपर्टी लोकेटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको मजीद खूबसूरत घरों की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।